तो पहला स्टेप जो तुम्हें बुक्स में मिलेगा वो ये होगा कि एक्स को टी स्क्वायर बोल दो, एक्स को टी स्क्वायर बोल दो. नाउ व्हाट डज दिस, व्हाट डज दिस मीन? एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर. मतलब अभी तक तो तुमने ये बोला था कि जी एक्स को टी, मतलब जी एक्स जो होता है हमारा उसको टी मानना होता था. ये अचानक से तुमने टी स्क्वायर और टी का फंक्शन लेना कब से शुरू कर दिया भाई? ये कहां का लॉजिक है? हेलो पीपल, सो इस वीडियो में बड़ा छोटा सा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, ठीक है? रिवर्स सब्स्टिट्यूशन उसका नाम है. सो इसमें हुआ क्या, इसमें हमारे सामने एक एग्जांपल देता हूँ. पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं. मैंने तुमने दे दिया 4x³ साइन एक्स की पावर 4 dx, ठीक है? मैं बहुत उल्टी तरीके से समझाऊंगा कि कहाँ से आता है ये, ठीक है? और फिर तुम्हें इसका पर्पज समझ में आएगा, ठीक है? पहले बकवास लगेगी, फिर तुमने कहा अच्छा, ठीक है? तो जैसे ये दे रखा है तो क्लियरली हम इसमें x की पावर 4 को t बोल देंगे, राइट? जहाँ से 4x³ dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, राइट? और फिर राइट, उसके बाद फिर ये क्या बन गया, ये चीज, ये बन गया 4x³ dx बेसिकली अपना dt बन जाएगा. सो इट इज लाइक sin t dt, है ना? और फिर वहां से हमारे पास आंसर आ जाता है माइनस cos x की पावर 4 + c, ठीक है? वो तो चलो ठीक है, हटाओ उसको. पॉइंट इज नॉट दैट, पॉइंट इज कि अगर मैं इसी को ध्यान से देखूं, ठीक है, मैं इसका उल्टा करने वाला हूं, ठीक है? ये तो हमारे पास ये हो गया. अब इसको देखो, मेरे को तो रखा है साइन एक्स डी एक्स. कोई कहेगा इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, है ना भाई? साइन एक्स डी एक्स ये रखा है, इसका आंसर तो सीधे माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है? बट हम ऐसे नहीं कर रहे, हम कुछ तिकड़मबाजी करने वाले हैं. ध्यान से देख लो, हम बोले जहां जहां पर भी x है, जहां जहां पर भी x है वहां पे t की पावर 4 लिख दो, ठीक है? जहां जहां पर भी x है वहां पे मैंने t की पावर 4 को लिख दिया, तो ये बन गया sin t की पावर 4 d t की पावर 4, ठीक है? अब मुझे ये पता है कि sin t की पावर 4 कि ये चीज एक्चुअली में डिफरेंशिएट कर देगी, तो ये बन जाएगा 4t³ dt, ठीक है? ये ऐसा हुआ नहीं है dt की पावर 4, ठीक है ना? हमने ये चीज पहले कर रखी है कि अगर fx dgx हो, ठीक है, तो ये बराबर होता है इसके fx g'x dx के. इसीलिए हम बोलते हैं कि dgx जो होगा वो इसके बराबर होगा, ऐसे नहीं कि होता ही है, ठीक है? तो वहां से हमने वो लॉजिक यूज करके ये हमने कर दिया, ठीक है? अब अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये बन गया 4t³ sin t की पावर 4 dt. कितने लोगों को बात समझ में आई हुआ क्या? बात कुछ पहले पड़ी, देखो मैं थोड़ा घुमा के लाता हूं कि मैंने क्या कर दिया ये, ठीक है? जैसे कि जो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था जिसमें कि ये चीज दे रखी थी और यहां से मैंने सब्स्टिट्यूशन से सिंप्लीफाई करके मैं यहां लाया था, पर जब ये लिखा हुआ है, जब ये चीज लिखी हुई है, तो तुम्हें तो अपने दिमाग में पता है ना कि एक्चुअल में ये नहीं है, एक्चुअल में तो ये लिखा हुआ है साइन एक्स की पावर 4 डी एक्स की पावर 4. वो तो हमने एक्स की पावर 4 को टी बोल रखा है, बट हमें पता है कहीं ना कहीं कि ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में ये है, राइट? सही कह रहा हूं एकदम. तो ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है इसमें तुम्हें लग रहा है कि एक्स है, मुझे तो पता था कि इसमें टी की पावर 4 है, ये एक्चुअल में एक्स नहीं है, ये एक्चुअल में है ही ये साइन टी की पावर 4 डी टी की पावर 4. मान लो ऐसे होता कि साइन एक्स की पावर 4 डी एक्स की पावर 4, तो तुम ही अपने आप लिखते ना साइन टी डी टी, तो बस मैंने वेरिएबल इंटरचेंज कर दिया, मैंने यहाँ टी की पावर 4 लिख रखा है, तो यहाँ पे मैंने एक्स और एक्स कर दिया. तो ये जो साइन एक्स डी एक्स वो क्वेश्चन में दे रखा है ना, वो एक्चुअल में साइन एक्स डी एक्स नहीं है, वो एक्चुअल में साइन टी की पावर 4 डी टी की पावर 4 है. तुम कहोगे तो मतलब ठीक है, कुछ भी डाल लो तुम साइन टी की पावर 4, यहाँ पे कुछ भी डाल लो, तुम बोल दो साइन के अंदर कुछ भी टी का फंक्शन डाल दो, है ना? उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ठीक है? ये चीज हमेशा इसके बराबर होगी ही होगी, क्योंकि एक तरीके से ये जो एफ टी है इसको तुमने एक्स सब्स्टिट्यूट किया है, तुमने एक तरीके से यहां पे जो एफ टी उसको एक्स सब्स्टिट्यूट किया है, इसीलिए ये आ रहा है. क्योंकि यार लेकिन इधर आ यार, इसका तो फॉर्मूला आपने को पता है, वो तो सिंपल माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, तो ये सब बर्बादी करने की जरूरत क्या है, फालतू में इतनी सिंपल सी चीज को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? मैं कहा ठीक कह रहे हो, कोई जरूरत नहीं कॉम्प्लिकेट करने की, पर क्या तुम्हें इस चीज का मतलब समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं? हम फालतू में सब्स्टिट्यूशन घुसा रहे हैं रिवर्स में, मतलब साइन एक्स डी एक्स दे रखा है, पर मैं वापस मैं टाइम में पीछे जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तुम्हें अभी प्रेजेंट में तो ये दे रखा है, पर एक्चुअल में तुम्हें पता नहीं है, एक्चुअल में ये जो चीज आई है ये एक्चुअल में यहां से आ रही है, मतलब मुझे पहले से पता है कि ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन था,
इसको किसी ने ऐसे कर दिया, दैट इज कॉल्ड रिवर्स सब्स्टिट्यूशन। जब हम जो हमारा प्रेजेंट टाइम है उससे पहले जा रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं पास्ट में, और हम बोल रहे हैं कि पास्ट में एक्चुअल में ये चीज थी, ये किसी ने टी की पावर 4 को एक्स सब्स्टिट्यूट कर रखा है। जैसे यहां पर नहीं कर रखा है, यहां पे तुमने टी की पावर 4 को एक्स सब्स्टिट्यूट कर रखा है, दैट इज हाउ वी आर सेइंग। ठीक है, मुझे पता कम समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि हमें ये दे रखा है साइन एक्स की पावर 4 4x³। ठीक है, तो इसको तो देखते ही समझ में आ जाता है कि भैया एक्स की पावर 4 को टी डाल दो तो 4x³ dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे सामने ये बन जाएगा साइन टी डी टी, राइट। मैं क्या कह रहा हूं कि हमें ये दे रखा है कि साइन एक्स डी एक्स, यहां पे एक्स को तुम टी की पावर 4 डाल दो और फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो तो ये बन जाएगा 4t³ dt। ये इससे बड़ा मैंने शातिर वाला गेम खेला है यहाँ पे, ठीक है, मैं आऊंगा इस पे। तो ये क्या बन जाएगा, देखो साइन एक्स की जगह पे क्या आ गया टी की पावर 4, और डी एक्स की जगह पे क्या आ गया, डी एक्स की जगह पे क्या आ गया 4t³ dt। ठीक है, यानी कि यह बन गया 4t³ sin t⁴ dt। तो ओरिजिनल क्वेश्चन तो ये था, ये थोड़ा ना था, पर ये क्या कर गया तुम? ओ भाई साहब, हेलो, इधर एक मिनट सर, आपने बोला था कि ये एक्चुअल में कोई इक्वेशन थोड़ा है, ये ऐसे थोड़ा होता है कि कुछ भी कर दिया हम तो बस इधर, ये हमें गलत बात हो जाएगी। आपने बोला था जी एक्स को टी मान लो, ये क्या बकवास है कि एक्स को तुमने कुछ फंक्शन ऑफ टी मान लिया, ये बकवास कहां से आ गई? ये तो पूरा लॉजिक है, इसका लॉजिक क्या था, ये कि एफ के अंदर जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स है ना, ये चीज जो होती है वो उसके बराबर होती है जी एक्स डी जी एक्स के, है ना, ये तो पूरा एकदम सिस्टमैटिक चीज है, ये क्या बकवास कर रहे हो, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं कहा, मैं बकवास कर रहा हूँ इस समय, मेरा दिमाग सट जा चुका है, सुनो मेरी बात, एक्चुअल में ये नहीं हो रहा, एक्चुअल में क्या हो रहा है, मान लो क्वेश्चन ये है, ठीक है, मान लो क्वेश्चन ये है, इसको भूल जाओ, ये क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन तुम्हें किसी ने दिया ही क्वेश्चन में ऐसा दिया, भाई जरूरी होना है वो क्वेश्चन तुम्हें हमेशा एक्स के वेरिएबल में देगा, टी के वेरिएबल में दे दिया, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, क्वेश्चन तो अभी भी वैसे ही सॉल्व होगा, अब कैसे सॉल्व होगा, अब भी तुमने यही करोगे, अब तुम टी की पावर 4 को कुछ मानोगे ना, जैसे तुमने एक्स की पावर 4 को टी माना था, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, है ना, इस चीज को मैं ऊपर लिखता हूँ, जैसे कि तुम एक एनालॉग बना सको कि हम सेम चीज ही कर रहे हैं, यहां पे मैंने टी की पावर 4 को कुछ मानना है, हमने वैसे एक्स की पावर 4 को टी माना था, मान लो तुम टी की पावर 4 को वी मान लो, कुछ भी मान लो, हम फालतू में एक्स ही मान रहे हैं, भाई वेरिएबल तो कुछ भी मान सकते हैं ना, हम एक्स मान रहे हैं, मेरी बात को समझना, मैं कहां जाना चाहता हूं, उससे क्या मतलब है, कोई भी वेरिएबल मान ले यार, अब तो बिल्कुल वही चीज हो रही है, भाई मैंने कुछ नहीं करा, मैंने जी टी को एक्स बोला है, जैसे कि मैं यहां पर जी एक्स को टी बोलता हूं, क्योंकि यहां पे मैं क्या फॉर्म बनाना चाहता हूं, मैं ये वाली फॉर्म बनाना चाहता हूं एफ जी टी जी डैश टी डी टी, क्योंकि मुझे पता है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एफ जी टी डी जी टी के, और उससे मेरे को आंसर मिल जाएगा कैपिटल एफ जी टी प्लस सी, अरे वही सेम चीज है, बस एक्स की जगह पर टी हो गया, दैट्स इट, नथिंग मोर, ये तो किया जा सकता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो हम यहां पे ऑब्वियसली ये लिखेंगे कि ये तो एक्चुअल में यही आने वाला है, राइट तो उसके हिसाब से ये बन गया साइन एक्स, और 4t³ dt क्या बन गया, ये बन गया डी एक्स, ठीक है, तो ये जो चीज है ये एक्चुअल में इसके बराबर है। तो रिवर्स सब्स्टिट्यूशन ये होता है कि हम बोलते हैं कि भाई ये नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो ये है ऊपर वाला, क्वेश्चन ये है ही नहीं, क्वेश्चन तो ये है, तो उसके मुझे उल्टा जाना पड़ेगा ना, तो अब मुझे तो ये दे दिया उसने, मुझे पता है कि मुझे उल्टा जाना है सॉल्व करने के लिए, तो उल्टा जाने के लिए हम बोलते हैं कि ठीक है एक्स को वापस टी की पावर 4 डाल दो, ये आ गया एक्स को वापस टी की पावर 4 डाल दो, ऐसे ऐसे पढ़ो, ठीक है, और फिर डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है हम लोगों ने ये यूज किया है रिवर्स में, ये हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे dx इज इक्वल टू 4t³ dt, जिससे कि हम वापस यहां से यहां पहुंच जाएंगे, कहां पहुंच जाएंगे, अब हम फिर से कहां पहुंच गए, साइन टी की पावर 4 4t³ dt, समझ रहे हो, कोई कह रहा है कि करना क्यों है, लेकिन करना क्यों है भाई, आ रहे हैं अभी, आ रहे हैं, हम बता रहे हैं तुम्हें क्यों करना है, देखो यहां तो पॉइंटलेस है करना इसको, ठीक है ना, यहां तो बिल्कुल ही पॉइंटलेस है, जैसे अगर मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, मानो मैं तुम्हें दे दूं कि x की पावर 8 दे रखा है और बोला जा रहा है इसको इंटीग्रेट करो, तो ऑब्वियसली इसका आंसर x की पावर 9/9+c होता है, हमें पता है, पर अभी जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं उस बात को समझने के लिए, मान लो मैं बोल दूं कि ये x नहीं लिखा हुआ है, ये तो एक्चुअल में तुम्हें पता नहीं है, ये एक्चुअल में tan था, tan t था, ये एक्चुअल में तुम्हें पता नहीं है, ठीक है, वो तुम्हें पता नहीं होगा, कोई बात नहीं, और जब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या आता है, तो आता है sec स्क्वायर t dt, तो एक्चुअल में ये पता क्या लिखा हुआ है, ये x की पावर 8 यानी कि tan की पावर 8, तो tan 8 की पावर t, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर t dt, ये क्वेश्चन था एक्चुअल में, इस टाइप क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे है, राइट, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan की पावर 8x
sec स्क्वायर x dx, जिसमें हम क्या बोल देते थे कि tan x जो हो गया उसको t मान लो, तो फिर sec स्क्वायर x dx ये dt हो जाएगा। तो उस लॉजिक से ये बन गया t की पावर 8 और sec स्क्वायर x dx बन गया dt, तो आंसर आ गया t की पावर 9/9 plus c, यानी कि आंसर आ गया tan की पावर 9/9 plus c, माने आप x, राइट। तो वही सेम चीज करिए, वही सेम चीज करिए, ठीक है। बेसिकली इससे हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं अगर कोई सिंपल सी चीज दे रखी है उसको मैं पकड़ के कुछ भी बना सकता हूं, इसे दिस इज कॉल्ड रिवर्स सब्स्टिट्यूशन, कि तुम वेरिएबल को चेंज कर रहे हो, दिस इज आल्सो कॉल्ड चेंज इन वेरिएबल, कि मैंने एक्स की चीज दे रखी थी उसको मैंने अपना ही कुछ घुसा दिया उसके अंदर, ठीक है। अभी इसका हम और मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे, टेंशन मत लो, अभी तुम इंट्यूशन से समझने की कोशिश करो, क्योंकि इंट्यूशन बहुत समझा देती है। इंट्यूशन क्या बोल रही है मुझसे, इंट्यूशन ये बोल रही है कि हमें, हम बोल रहे हैं कि ये तो ऐसा ही था, हम अपने आप को बेवकूफ नहीं बना रहे, बोले तुम्हें पता क्या है, तुम तो अभी क्वेश्चन को देख रहे हो ना, x की पावर 8 dx, एक्चुअल में ये था ही नहीं, एक्चुअल में तो हमेशा से यही था, क्वेश्चन तो एक्चुअल में ये था, एक्चुअल में एक बंदा था वो सॉल्व कर रहा था ये, तो उसने क्या करा, उसने देखा कि ये तो tan जो है उसका डेरिवेटिव यहां पर है, तो उसने इसको x मान लिया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या करा, उसके बाद उसने ट्रिक का एप्लीकेशन किया जिसकी वजह से उसको ये मिला, ठीक है, और फिर उसने इसमें डाल दिया तो उसको मिल गया x की पावर 8 dx, बस दैट्स इट, तो ये इसके बराबर था, पर उसके बाद तो ये चला गया, पर एक्चुअल में अब ये लिखा हुआ रह गया, और किसी जो जेई का बंदा था उसने आके ये क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे, पर एक्चुअल में ये तुम्हें ये थोड़ा सॉल्व करना है, एक्चुअल में तो तुम्हें ये सॉल्व करना है। कोई कहेगा पागल हो गया, ये तो सिंपल है, ये तो टफ है, ये क्यों करूंगा, ये करूंगा ना, मैं कहूंगा अभी आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं इस पॉइंट पे, कि तुम ये खुद कहोगे कि मुझे ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। मान लो तुम्हें इसका इंटीग्रल करना ही ना आता हो और तुम्हें इसका करना आता हो, तो तुम यही करोगे ना, बात समझ रहे हो, तो उसी पर आ रहे यार। सो अब क्या, कैसे पहुंचेंगे इस पर हम वापस, है ना, हमें तो अभी पता नहीं, अभी के लिए तो हमें पता ही नहीं है ना कि ये चीज दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे x की, x को वापस से वही मान लो जो हमें, बस हमें इतना पता है कि इसमें हमें tan t डालना है यहाँ पे, कि एक्चुअल में ये था, तो अब क्या आएगा यहाँ पे, फिर से समझो, ये ट्रिक ही है, ये ट्रिक उल्टी नहीं करी गई है, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, ये एक्चुअल में इन्हीं स्टेप्स को मैंने घुमा के लिख दिया, ये वाला जो स्टेप था इसी को घुमा के लिख दिया, दैट्स इट, क्योंकि मुझे यहां से वापस यहां पहुंचना है, और मैं पहुंच गया, जब मैंने एक्स जगह पे टैन डाल दिया तो ऐसे आ जाएगा बड़े आराम से, वो सारी ये टी में होगा, ठीक है ना। अब मैं आता हूं अपनी मेन प्रॉब्लम पे ना, फॉर नाउ मुझे पता है, अपने नोट्स पे भी लिख लो ये चीज, कि फॉर नाउ ऑल दिस लुक्स बुलशिट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ऑल दिस लुक्स बुलशिट और वेरी श्योर, ठीक है। लाइक व्हाई कॉम्प्लेक्सिफाई द ऑलरेडी सिंपल इंटीग्रल, जो कि जब इंटीग्रल सिंपल है तो उसको कॉम्प्लेक्सिफाई क्यों करना है, और कॉम्प्लेक्सिटी क्यों डालनी है उसके अंदर, उसका रीजन अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, तुम भी कहोगे हाँ यार बात तो सही कर दी इसने। क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स dx, ये क्वेश्चन, ठीक है, तुम में जो करना करते रहो, ठीक है। अभी जब हम बड़े हो जाएंगे, यानी जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में आएंगे, उसमें बहुत लोग तुम्हें टेक्निक पढ़ाते हुए मिलेंगे, उसका नाम होता है रेशनलाइजिंग टेक्निक। रेशनलाइजिंग टेक्निक ये होती है कि कभी भी अगर स्क्वायर रूट हो तो x को t स्क्वायर मान लो, यानी कि जो भी x स्क्वायर रूट के अंदर है उसको स्क्वायर मान लो, या फिर अगर मानो क्यूब रूट होता है तो क्यूब मान लो, ठीक है। पर ये चीज का कोई प्रूफ नहीं देता, कोई समझाता नहीं है कि एक्चुअल में काम कर कैसे रहा है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, तो वो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं यार, कहीं मिलेगा तुम्हें ये इंट्यूशन वाइज की चल क्या रहा है इसमें। तो पहला स्टेप जो तुम्हें बुक्स में मिलेगा वो ये होगा कि x को t स्क्वायर बोल दो, x को t स्क्वायर बोल दो। नाउ व्हाट डज दिस मीन, x इज इक्वल टू t स्क्वायर, मतलब अभी तक तुमने ये बोला था कि gx को t, मतलब gx जो होता है हमारा उसको t मानना होता था, ये अचानक से तुमने t स्क्वायर और t का फंक्शन लेना कब से शुरू कर दिया भाई, ये कहां का लॉजिक है। आई होप सो ये बात समझ में आ रही होगी कि दिस इज नॉट, दिस इज अगेंस्ट मैथमेटिक्स यार, तुम पहले कुछ बोलते हो फिर कुछ करा देते हो फिर अलग ही कुछ बकवास करने लगते हो, ठीक है ना। ज्यादा लोग सब्स्टिट्यूशन टेक्निक को समझाने के लिए वो चेन रूल का यूज कर लेते हैं और फिर उसके बाद ये सब करने लगते हैं, अचानक से ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने लगेंगे, अभी आगे जाके तुमसे टी स्क्वायर की जगह बोलेंगे कि ये साइन थीटा के बराबर है, जिन लोगों को पता है उनको पता है, इनफैक्ट आगे जाके तो वो ये तक बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना, इसको मान लो साइन थीटा मान लो, तो उन्होंने एक्स का भी फंक्शन ले लिया और उन्होंने थीटा का भी फंक्शन ले लिया और बोल दिया दोनों बराबर है, पता नहीं कौन सा टाइप का सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, ठीक है। तो इन सबका लॉजिक कौन देगा, कहां से हर जगह तुम ट्रिक अप्लाई करने जा रहे हो, वो क्या बोल देंगे, वो बोल देंगे एक्स को टी स्क्वायर मान लो and differentiate both sides, तो ये बन गया dx is equals to 2t dt and that's it, अब इसमें substitute कर दो। पर मैं क्या कह रहा हूँ, इसका intuition समझो, इसका intuition क्या है, इसका intuition ये है कि ये ऐसा कभी था ही नहीं actual में ना, actual में मैं बताता हूँ एक बंदा था, तो जैसे हमें ये दे रखा है right, अब जो mathematician थे हमारे, दूसरे mathematician है दूसरी दुनिया में, ठीक है, उनको हम, वो एक problem पे काम कर रहे थे, उस problem, वो problem ये थी,
टू टी क्यूब वन प्लस टी डी टी, ठीक है। अब उनके दिमाग में एक चीज आई, उन्होंने बोला ऐसी फालतू में उन्होंने टी स्क्वायर को एक्स मान लिया, वो ऐसे खेल रहे थे। उन्होंने कहा सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है, हम किसी भी कॉम्पोनेंट जैसे ये क्या चीज है या चलो वैसे मैंने बोला था ना कि इंटीग्रेशन का भी क्यूब एक्स दे रखा हो तो हम कुछ भी इसके कॉम्पोनेंट को टी बोल देते हैं, तो ऐसे यहां पर उनकी दुनिया में टी में दे रखा है, तो उन्होंने कोई भी टी का कॉम्पोनेंट लिया और उसको एक्स बोल दिया, तो उन्होंने टी स्क्वायर लिया और उसको एक्स बोल दिया। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जो तुम्हारा मन करे उसको ले लो, है ना। सो फिर ट्रिक के हिसाब से टू टी डी टी वुड बी इक्वल टू डी एक्स, राइट। तो उस लॉजिक से अगर मैं बात करूं तो टू टी क्यूब में ये बन जाएगा टू टी स्क्वायर, सॉरी ये बन गया टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टू टी डी टी, है ना, और नीचे लिखा हुआ है वन प्लस टी, राइट। तो टी स्क्वायर क्या बन गया एक्स, ये क्या बन गया डी एक्स, और नीचे क्या आ गया वन प्लस रूट एक्स, टी की जगह पे क्या आ गया रूट एक्स, ठीक है ना, टी की जगह पे रूट एक्स आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो चीज रखी है और ये जो चीज रखी है सेम है, सेम क्वेश्चन ही तो है, तो हम ये बोलते हैं कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन है, तो हम वापस लेकर आएंगे। तो हम वापस कैसे लेकर आएंगे, हम बोलेंगे x को t स्क्वायर मान लो फिर से, एंड नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, ठीक है। एंड क्योंकि ये हमने कर दिया तो अब हम इसके अंदर डालेंगे, तो x की जगह पे तो आ जाएगा t स्क्वायर, फिर यहां आ गया रूट एक्स की जगह पे सिंपल t बन गया, ठीक है ना, और डू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा टू टी डी टी, तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया टू टी क्यूब वन प्लस टी डी टी, राइट, ओके। नाउ अब देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करना तो हमें सिखाया जाएगा, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं टी क्यूब प्लस वन माइनस वन, ठीक है, ये तुम टेंशन मत लो, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। तो ये बन जाएगा टी प्लस वन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन टी प्लस वन माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन खच खच, ठीक है। मुझे पता है तुम्हें अभी बहुत लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या बकवास चल रही है, ठीक है ना, सही है। सो ये बन गया मतलब मैं टी की जगह पे रूट एक्स डाल रहा हूँ हर जगह पे, दैट इज द आंसर। बेसिकली यहां से तुम कर लेंगे, ठीक है, वो पॉइंट ही है, वो तो मैंने करके दिखा दिया तुम्हें, जरूरत नहीं है, वो तुम कर लेंगे देखा जाएगा। पॉइंट इज कि इसको करना पॉसिबल नहीं था तो हम रेशनलाइज कर लिया, हमने क्या कर लिया, हमने इसको रेशनलाइज कर लिया, ठीक है, हमने बेसिकली एक्स को टी स्क्वायर बोल दिया, सही है। और ये इसका मतलब क्या है समझ में आ गया कि रिवर्स हमने क्या करा, हमने एक्स को टी स्क्वायर बोला है, हमने किसी एक्स के फंक्शन को टी नहीं बोला है, हमने एक्स को ही टी का फंक्शन बोल दिया, और उसका लॉजिक यहां से आ रहा है, बेसिकली ये रिटर्न जा रहा है ना, रिवर्स जा रहा है, ऐसा मतलब दुनिया उल्टी चल रही है, ठीक है, टेनेट देखी है ना उस टाइप की चीज हो रही है, ठीक है। सो अब ये तो हमने इंट्यूशन से समझा दिया, हालांकि इसमें भी बहुत लोगों को डाउट हो गए होंगे, मैं बताता हूँ, जो एक बारीक बच्चा होगा उसको बहुत अच्छे अच्छे डाउट्स हुए होंगे, उसको एक तो यही डाउट हो गया होगा कि जब एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर होगा तो रूट एक्स मतलब क्या हो गया कि रूट के अंदर टी स्क्वायर, तो यहां तो मॉडुलस टी आना चाहिए था, यहां सिर्फ टी कैसे लिख दिया आपने, पहला। कुछ लोगों को यहां डाउट हुआ होगा टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो टी कितना हो गया, टी तो एक्चुअल में प्लस माइनस रूट एक्स होना चाहिए था, तो यहां पर अगर एक प्लस रूट एक्स है तो एक क्वेश्चन ये भी तो बनेगा एक्स अपॉन वन माइनस रूट एक्स डी एक्स, राइट बहुत सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और यहां से भी वही बात निकल के आती है, अगर तुमने x को t स्क्वायर बोला है तो रूट एक्स क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा मॉडुलस t, यानी कि अगर t पॉजिटिव है तो एक बार तो रूट एक्स t होगा और एक बार रूट एक्स माइनस t होगा, यानी कि वही रूट एक्स इक्वल टू t माइनस वही, या तो यहां से जैसे जाओ ऐसे बोल लो या ऐसे बोल लो, बात एक ही है, दोनों केस में प्लस माइनस वाले केसेस बनेंगे, ठीक है, बारीक बात जिसने अगर पकड़ी होगी तो उसने ये बात पकड़ ली होगी। तो इसका रीजन ये कि हम अभी एक केस को लेकर चल रहे हैं, हमें जो क्वेश्चन वाला बंदा है उसने हमें x अपॉन वन प्लस रूट एक्स दिया है ना, अगर उसने x अपॉन वन माइनस रूट एक्स दिया होता तो बात कुछ और होती, ठीक है, हालांकि हम उसमें भी पॉजिटिव वाला केस ही लेकर सकते। इसके बारे में मैं थोड़ी ज्यादा डिटेलिंग बात करूंगा, तो मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के अंदर इस टाइप की जो बारीकियां होती हैं, ठीक है, इसमें हम साइन सिग्नम फंक्शन उस टाइप की चीजें भी होती हैं, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर अभी इस टाइप की चीजें बहुत आती हैं इंटीग्रेशन के अंदर, जिसमें तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि यार इन्होंने साइन कंसिडर ही नहीं किया, वैसे तो हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते हैं कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर लेना होता है और यहाँ पर साइन ही कंसिडर नहीं किया, ठीक है, ऐसे एकदम बिल्कुल मूक बन जाते हैं, एक तो इंटीग्रेशन में इतनी बार चुप हो जाते हैं बिल्कुल,
कुछ बोलते नहीं, एकदम हल्के हल्के निकल जाते हैं फटक से। कोई अगर एक ढंग का बच्चा एकदम से पूछ लेगा ना तो उनकी जान लटक जाती है, अरे बाप रे ये कैसे पूछ लिया, मैं कैसे बोलूंगा इसके बारे में, इसके बारे में समझाया जाएगा, डोंट यू वरी। ठीक है, मतलब तुमने देखा ना मैंने पकड़ लिया ये चीज। ठीक है, पॉइंट अभी कौन नहीं, अभी मेरा मेन थीम क्या लेक्चर का कि उल्टा जानना सीखो। एक और एग्जांपल करा देता हूं, ठीक है, उसके बाद सीधे प्रूफ कराऊंगा जैसे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक और तुम्हें देता हूं, x / स्क्वायर रूट के अंदर x - 1 dx, ये दे दिया तुम्हें। ठीक है, तो अब हमें कौन सा फंक्शन ढूंढना है, हमें ऐसा फंक्शन ढूंढना है जो एक्चुअल में था, जो रिवर्स में था। ठीक है, ये तो उसी की सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म दे रखी है, वो एक फंक्शन है t में, जिसको जिसके अंदर t x को सब्स्टिट्यूट किया गया है। उसको निकालने की निंजा टेक्निक क्या है, उसको निकालने की निंजा टेक्निक ये है कि इसको रेशनलाइज कर लो, यानी कि x - 1 को t स्क्वायर बोल दो, यानी कि x को t स्क्वायर + 1 बोल दो। तो ये मेरा सब्स्टिट्यूशन है, छुपन, ये मेरा सब्स्टिट्यूशन है, x को t स्क्वायर + 1 बोल दो। जैसे तुमने ये बोल दिया तो अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, ये कैसे हो रहा है तुम्हें पता है ना, ये कैसे हो रहा है, ये हो गया 2t dt। तो x dx दे रखा है, x की जगह पे क्या आ जाएगा t स्क्वायर + 1, dx की जगह पे क्या आ जाएगा 2t dt। ठीक है, और रूट x - 1 की जगह क्या आ जाएगा भाई, x की जगह जब तब ये डालोगे तो ये सिंपल क्या बन गया, t बन गया। ठीक है, तो इस t ने इस t को काट दिया तो क्या बन गया, ये आपके पास क्वेश्चन, मतलब ये आपका ओरिजिनल फंक्शन होगा। तो ओरिजिनल फंक्शन मेरे पास क्या था, मैं फिर से समझा रहा हूँ, टी स्क्वायर प्लस वन, ये मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन था, पर किसी ने बदमाशी कर दी, किसी ने टी की जगह पे रूट एक्स माइनस वन डाल दिया, किसी ने टी की जगह पे रूट एक्स माइनस वन डाल दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से हुआ क्या, जिसकी वजह से हुआ क्या, या फिर ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, टी की जगह रूट एक्स माइनस वन डाल दिया, तो डी टी इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट के अंदर एक्स माइनस वन, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है। ठीक है, नहीं आया समझ में, एक मिनट, उल्टा बोल गया, किसी ने, अभी उसको भूल जाओ, किसी ने, क्योंकि हम लोग वो कर रहे हैं ना, हाँ, तो टी स्क्वायर प्लस वन को किसी ने x बोल दिया, अरे यहाँ पे तो ये दुनिया सीधी है, सीधी दुनिया में हमारा जो अभी मेरा जो पुराने एपिसोड्स थे जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि हमें एफ जी टी जी डैश टी ये वाली फॉर्म चाहिए मेरे को, वैसे हम x यूज करते हैं, पर क्योंकि हमारी, हम कौन सी दुनिया में, हम t की दुनिया में, देखो हमारी जो अर्थ है वहां पे ये जो सिंबल x है ना, इसको बहुत माना जाता है, पता नहीं कि वो हर फंक्शन जो है वो x की x में दिया होता है, भाई x के साथ कोई स्पेशल लगाव थोड़ी ना है, फंक्शन तो f के अंदर t डाल दो, तुम f के अंदर a डाल दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है ना, हम लोग फिर भी हमारी एक आदत सी हो गई है fx देखने की, तो मैं ये बोल रहा हूँ किसी पैरेलल यूनिवर्स में fx की जगह पे ft है, तो वो सारे फंक्शन को t के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो और उनके हमारे यहाँ सब्सटीट्यूशन में हर बार t यूज किया जाता है, इंडिया में तो खासकर हम जो बोलते हैं कि सब्सटीट्यूट करना है तो t मान लो, तो ऐसे यहाँ पर x माना जाता है, ऐसे मानो इस दुनिया को, एक ऑपोजिट दुनिया मान के चलो, तो यहाँ पर उन्होंने t का फंक्शन लिया, वही t स्क्वायर प्लस 1, इसको x मान लिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2t dt is equals to dx, ये चीज लिखी हुई है ये, और ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे। तो ये जो हमने स्टेप करेंगे मैथमेटिकली से मतलब ही नहीं है, ये सब ट्रिक में चल रहा है मामला, ठीक है ना, पर ये बात तो हमने पूरा मैथमेटिकली सही प्रूफ किया है, ऑब्वियसली ये ट्रिक है, पर हमें मैथमेटिकली पता है कि ये ऐसा ही क्यों हो रहा है ना, मैंने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया इस पे, तो उसी का उल्टा है, दैट इज कि हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं पीछे, मैंने आई होप सो ओवर एक्सप्लेन कर दिया मेरे हिसाब से मैंने, है ना। सो यार, तो ये बन गया एक टी स्क्वायर प्लस वन की जगह क्या बन गया x, डी टी की जगह क्या बन गया डी एक्स बाय 2t, भैया जो 2t ये पीछे नीचे चला जाएगा ना, ठीक है, और एक 2 अलग से लगा हुआ है, ये लगा हुआ 2, तो ये 2 और 2 कट गया, तो आंसर आ गया x डी एक्स और t नीचे आ गया। अब इस t की जगह पे क्या आएगा, यहां से t निकालो, t क्या हो जाएगा x और माइनस 1 और स्क्वायर रूट, तो यहां पर आ गया ये, फिर से वो सब चीजें आ रही होंगी कि प्लस माइनस एंड ऑल, पर उसको जस्टिफिकेशन हम ये दे सकते हैं अभी के लिए कि x अपॉन स्क्वायर रूट x माइनस 1, इन्होंने यही वाला केस लिया है ना, अगर ये माइनस वाला होता तब भी यही बनता, प्लस वाला होता तब भी यही वाला इंटीग्रल बनता, समझ रहे हो, पर इन्होंने जब हमें दिया ही पॉजिटिव वाला है तो हमने इसलिए पॉजिटिव वाला केस कंसिडर किया क्योंकि हमें ये लेना है, यही ऊपर वाले का भी जस्टिफिकेशन है कि उन्होंने दिया कौन सा है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। ठीक है, पर ये जस्टिफिकेशन कौन दे पाएगा, वही तो दे पाएगा जिसको ये पूरा लॉजिक पता है, पूरी इंट्यूशन पता है। ठीक है, ऑलराइट, सो तुम देख सकते हो कि ये जो हमारी दुनिया में जो क्वेश्चन पहुंचा है हमारे पास, वो एक्चुअली में पैरेलल यूनिवर्स में किसी ने टी से बनाया था, ठीक है ना, वहां से आ रहा था ये, तो ये सारे जो मेथड्स हैं ये वो है। तो अगर तुम्हें ये पैरेलल यूनिवर्स वाली बकवास समझ में आ गई है तो ऑब्वियसली बात है तब तुम इसका आंसर देगा तो बच्चा भी निकाल देगा, दैट इज 2t³/3 2t + c, है ना। अब t की जगह पे आपको रूट एक्स माइनस वन डालना है, सो रूट एक्स माइनस वन का होल क्यूब बाय 3, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं आ रहा हूँ इसके प्रूफ पे, इसका जो एक तरीके का जो फॉर्मल प्रूफ सॉर्ट ऑफ कह सकते हो, तो मैंने लिख के रखा हुआ है अपने पास, जैसे कि
एकदम फॉर्मल कट्टिट लैंग्वेज से बोलते ना, हाँ जी। तो मुझे एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स डी एक्स, सिंपल प्यारा सा फंक्शन दे रखा है, ठीक है। और हमसे बोला जा रहा है कि इसमें अब मैं जी टी डाल रहा हूँ, अब मैं उल्टा कर रहा हूँ यहाँ पे। ये तो इतनी देर से हम लोग कर रहे हैं ना कि हम एक्स की जगह पे टी स्क्वायर डाल रहे हैं। हमने अभी एक बार एक्स की जगह पे टैन टी डाला था, अभी इस बार हमने टी स्क्वायर प्लस वन डाला था। तो हम आगे जाकर कुछ भी डालें, हम बोलते हैं एक्स को साइन थीटा बोल दो। अरे जी टी से क्या मतलब है, जी थीटा लिख दो यहाँ पे। अरे कोई भी फंक्शन हो, बेसिकली हम सब्सिट्यूट कर रहे हैं, है ना। अभी आगे जाके अभी तो जब तुम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन नाम की एक चीज हम पढ़ाएंगे तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के अंदर, उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें यही हो रहा होता है कि x की जगह पे साइन थीटा डाल दो, या x की जगह पे a साइन थीटा डाल दो, बेसिकली मान लो किसी में थ्री साइन थीटा डाल दो, ठीक है, या फिर थ्री टैन थीटा डाल दो, ठीक है, या फिर x की जगह पे साइन थीटा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा ये डाल दो। अरे ये जो भी है बकवास, ये फंक्शन है ना, जैसे टी स्क्वायर प्लस वन एक फंक्शन है, टी में टैन टी भी एक फंक्शन है ना, ऐसे ये पूरी जो भी नोटिंग की है ये थीटा में एक फंक्शन है। तो इसी चीज को यहाँ पे प्रूफ किया जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा, ठीक है जी। तो हम क्या कर सकते हैं, लाइक हमें ये प्रूफ करना है कि ये चीज बराबर होगी इसके, किसके, देखो f के अंदर मैं यहां डाल रहा हूं gt, g डैश t dt, मुझे ये प्रूफ करना है कि ये वाली चीज इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये निकालना मुझे आती, वही वाली बात है ना, हमें फॉर्म वही चाहिए फिर से, ठीक है ना, इस बार भी फॉर्म तो मुझे वही चाहिए ना। और यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, सॉरी, हाँ यहां से वही आ जाएगा f। अभी मैं इसके आगे नहीं जाना चाहूंगा वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, पहले मैं इसको प्रूफ कर दूं यहाँ पे, ठीक है। हम थोड़ी देर के लिए जो पूरी ये जो इंटीग्रल मुझे दे रखा है इसको i बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर इस इंटीग्रल ये जो i ये जो इंटीग्रल दे रखा है इसको मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर मैं इसको x के लेवल पर डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर एफ एक्स ही तो आएगा। अब इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेगा तो इंटीग्रल का साइन हट जाएगा, जो अंदर है वही तो आ जाएगा एफ एक्स, ठीक है। अब ये जो dx है यानी कि जो x है उसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ t के रिस्पेक्ट में, इसके हिसाब से, क्योंकि एक्चुअल में ये x थोड़ा है मेरे लिए, तो मैंने इसको gt बोल दिया है ना, तो मैं कर सकता हूँ। अपने दिमाग में वही रखोगे, x को तुमने t स्क्वायर मान रखा है थोड़ी देर के लिए, है ना, तो तुम x को डिफरेंशिएट कर रहे हो यानी कि तुम t स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हो, है ना, x को t की उस पर डिफरेंशिएट करना यानी ये, तो ये क्या बन गया, ये बन गया g डैश t, राइट। अब di बाय dt अगर मैं तुमसे पूछूं, सो दैट वुड बी di बाय डी एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी, क्योंकि आई जो है वो एक्स का फंक्शन है, आई जो है वो एक्स का फंक्शन है और एक्स जो है वो टी का फंक्शन है, उस तरीके से हम बात खेल रहे हैं। तो डी आई बाई डी एक्स कितना हो गया एफ एक्स, ठीक है, और डी एक्स बाई डी टी कितना हो गया जी डैश टी, ये हमने अभी प्रूफ किया है, पर एक्चुअल में ये जो एक्स है इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं जी टी, हेंस प्रूफ्ड हो गया प्रूफ, देख लो कैसे, यहां मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि di बाई dt जो है वो इसके बराबर है, यानी कि जब मैं इसको f g t g डैश t इसको जब मैं t के उस पे t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर i आएगा। i क्या है, i एक्चुअल में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है, ये दोनों चीजें बराबर हो गई। और क्योंकि ये बराबर हो गया, अब ये फॉर्म तो मुझे बहुत पहले से पता है, ये फॉर्म तो मैं पता नहीं कितने टाइम से रोता हूं पिटता हुआ आ रहा हूं कि एक्चुअल में ये किसके बराबर है, ये बराबर है इसके एफ जी टी डी जी टी के, ठीक है, ये इसके बराबर है, हेंस अगर ये इसके बराबर है तो इसका आंसर कितना हो गया एफ जी टी प्लस सी के, एंड दैट इज द आंसर। तो हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करा दूं तुम्हें इसी से रिलेटेड, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका छोटा वाला फॉर्म कराता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, मानो ये क्वेश्चन, ये मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैंने कराया भी है, इनफैक्ट बहुत खतरनाक क्वेश्चन भी कराया, ठीक है, इससे ज़्यादा खतरनाक है वो, तो हाँ ये देखा है। अब कोई बोला जा रहा है इसको इंटीग्रेट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या ही करोगे तुम इसमें, ठीक है। तो एक्चुअल में अभी पहले हम इसको ऐसे बोलते हैं कि भूल जाओ इसको, अभी हम इसको एज अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम देखते हैं कि ये मुझे ऐसी दे रखी है अलग से, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो जो पैरेलल यूनिवर्स में जो दूसरा फंक्शन बनेगा, जो t वाला जो फंक्शन बनेगा, तो उसके लिए मुझे क्या सब्स्टिट्यूशन चाहिए मुझे पता ही नहीं है, तो उसी के लिए मैंने इसको नुक्कड़ पर बुलाया, मैंने बोला इस पूरी चीज को t बोल दो, इस पूरी चीज को t बोल दो। तो अब हमें x तक पहुंचना है, ठीक है, क्योंकि हमें ये जानना है कि x को मुझे क्या लेना है, तो ये बन गया t स्क्वायर, फिर ये बन गया t स्क्वायर माइनस टू, फिर ये बन गया t स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है। तो x की वैल्यू ये आ गई, यानी कि x की जगह पे ये डालना है, ठीक है। अगर x की जगह पे मैं ये डाल दूंगा, सॉरी इसके अंदर ये डाल दूंगा, तो क्या बन गया, अब देखो सॉरी, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट भी तो करना पड़ेगा dx, तो ये बन गया 2 t स्क्वायर माइनस टू, और फिर
टू टी और माइनस फोर का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो मेरा क्वेश्चन था इनिशियली रूट के अंदर टू प्लस रूट के अंदर फोर प्लस एक्स डी एक्स, ये कन्वर्ट हो गया। देखो ये पूरी चीज को तो मैंने टी बोल रखा है टी, और डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा टू टी स्क्वायर माइनस टू टू डी टी, ठीक है। ये सो बेसिकली ये क्या बन गया, ये बन गया फोर टी स्क्वायर माइनस टू टी स्क्वायर डी टी, दैट इज टी की पावर फोर माइनस टू टी स्क्वायर। अब इसको एक बच्चा भी सॉल्व कर सकता है भाई, ये बन गया टी की पावर फाइव माइनस एट टी क्यूब बाय थ्री प्लस सी, दैट इज द आंसर। टी की जगह पे मुझे क्या डालना है, टी की जगह पे मुझे ये लिख देना है ये, ठीक है, ये सब्सिट्यूट कर देना है यहाँ पे, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। गेम खेल गया बहुत भयंकर वाला, तो ये तो मैं समझ में आ रहा है कितना इंटरेस्टिंग चीज है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं रिवर्स सब्सटीट्यूशन, ठीक है। लाइक यूज सब लोग कराते हैं पर इसका कोई लॉजिक नहीं बताता, कोई फील नहीं कराता कि ये आया कहाँ से, तो वो मैंने जान पूछ के तुम्हें लाइक इस तरीके से इतनी लाइक मैंने बहुत देर बैठ के सोचा, लाइक टू बी ऑनेस्ट मैं खुद थक गया था इसके अंदर कि यार इसका इंट्यूशन क्या है, इसका फील क्या है, तो मैंने अपनी पूरी स्टोरी बनाई यहाँ बैठ के कि अच्छा ठीक है ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक्चुअल में ये हमेशा से ही ऐसे था कि हमने टी स्क्वायर सब्सटीट्यूट नहीं किया, ये तो था ही ऐसे से और मैथमेटिकली हमने इसको देख लिया है, ठीक है। अब मैं तुम्हारे सामने एक और ट्विस्ट लाना चाहता हूँ इस पूरी कहानी में, ठीक है। आई होप सो अभी तक तुम लाइक बोर नहीं हुए होगे, ठीक है। तो अगर बोर नहीं हुए तो अब मैं तुम्हारे सामने एक और ट्विस्ट लाना चाहता हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन मैं अगली वीडियो में दूंगा, वो रिवर्स सब्सटीट्यूशन का भी बाप है, एंड दैट इज दिस, ठीक है। तो तुम्हें दे रखा है एक्स क्यूब डी एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस फोर, अभी तक ये लीनियर हुआ करता था, अब मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो जो रेशनलाइजिंग तुम्हें पढ़ाया जाएगा ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कुछ ही टीचर्स पढ़ाते हैं बाकी सब तो बस ये सब्स्टिट्यूशन टेक्निक पढ़ा देते हैं और निकल जाते हैं। तो रेशनलाइजेशन में बोलेंगे जो भी है अंदर, जो भी भाई जो भी, आंख बंद करके है ना, हमें क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर दिख रहा है, वो बोलेंगे इसको टी स्क्वायर बोल दो। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो ये क्या है, ये तो एक्चुअल में फंक्शन है एक्स का, और ये क्या है, ये कोई और ही फंक्शन है टी में। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ रूट के अंदर सिर्फ x माइनस फोर होता, जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन कराया था उसमें ये था, तो हमने बोला था कि x माइनस फोर को टी स्क्वायर बोल दो, जिसकी वजह से x जो था वो एक्चुअल में टी स्क्वायर प्लस फोर आ गया था। पर यहां से तुम कुछ भी कर लो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस फोर के, तुम x को नहीं ला सकते यहाँ पे, x क्या आएगा, कोई बोलेगा x ही आएगा टी स्क्वायर प्लस फोर प्लस माइनस, ना भाई ये कोई फंक्शन थोड़ा हुआ, एक्चुअल में ये जो चीज रखी है ना इसको बोलते हैं मल्टी वेरिएबल फंक्शन, है ना, यहाँ पे अब तुम x नहीं ला सकते। या मैं अगर इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दूं, मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दे देता हूँ इसी के साथ में, उसके बारे में भी सोचना, क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये तुम्हें बहुत जो फेमस बुक्स है उन सब में करते हुए मिल जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे क्या है, इसका सॉल्यूशन अगर तुम देखोगे तो इट वुड बी कॉट एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा, कॉट एक्स को सेक थीटा मान लो, और फिर आगे बैठे डिफरेंशिएट करेंगे, बोलेंगे माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इधर बेटा क्या होता है sec थीटा tan थीटा d थीटा, ठीक है बेटा। अब इसको उधर डाल दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने भाई ये क्या बकवास चल रही है, ये कब से सच हो गया भाई, और ये कहां से मैथमेटिकली ट्रू हो गया, इसमें तो रिवर्स सब्सटीट्यूशन भी फेल हो गया, ये क्या चल रहा है, ठीक है। अब तुम कहीं से कहीं तक भी तुम x को तो सेपरेट नहीं कर रहे यहां पे, अगर मैं सिर्फ ये बोलता कि x को sec थीटा मान लो तो ये मैं बोल सकता हूँ, है ना, एक्स को टी स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये चीज मैंने प्रूव कर दिया, मैंने ऊपर प्रूव कर दी ये चीज, मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि x को जी में फंक्शन मान सकते हैं, पर इसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं मिस्ट्री, जिसका हमने आपको छोड़ा है, ठीक है। आई होप सो मजा आ रहा होगा, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।